जय जोहार संगवारी हो। तो आज हम जाने वाले हैं हनुमान टेकरी और VGM पार्क। तो यह दोस्तों वर्धा में जो काला चौक है, काला चौक से जस्ट जैसे आर्मी की तरफ जाते हैं तो वहाँ से लेफ्ट साइड में पड़ता है, और जो है पुलिस क्वार्टर से जस्ट राइट साइड में जैसे काला चौक की तरफ आते हैं। तो दोस्तों आज हम हनुमान टेकरी को दिखाएंगे, और दोस्तों आप भी यहाँ आ सकते हो, ये देखने के लिए बहुत अच्छा जगह है। तो चलते हैं आगे देखते हैं। देख सकते हो यार, ये वर्धा सिटी का नज़ारा है। यहाँ से ऊपर से जैसे आने पर उसका जो नज़रिया है देखने का, मतलब पूरा सभी तरफ घर ही घर दिखता है। और ऊपर जाके आपको और दिखाऊंगा ऊपर जाने के बाद कैसा नज़ारा है ऊपर, तो देखते हैं। और दोस्तों जो मैं यहाँ बैठा हूँ, जस्ट यहाँ जो ऊपर की तरफ दिख रहा है वहाँ पर पानी का जो सप्लायर है, जो सिटी में जाता है पानी सप्लाई होता है, वो है मतलब प्योरीफायर लगा है यहाँ पर। तो जैसे वहाँ पर जाने देगा तो एक बार ज़रूर वीडियो बनाऊँगा दोस्तों, देखते हैं कहीं जाने देगा तो। चलते हैं ऊपर की तरफ दोस्तों। ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर मैदान जैसा है, एक तरफ मतलब एक जो नर्सरी बोल सकते हैं, नर्सरी है लेफ्ट साइड में, और सामने आपको VGM पार्क दिखेगा दोस्तों, जो इन लोगों ने बहुत ही खूबसूरत बना कर रखा है यहाँ पर। VGM पार्क है, देखिए वेलकम टू VGM O2 पार्क। ये है मतलब VGM पार्क के सामने में आपको पानी भरा हुआ है, मतलब कुंड जैसा बना है इन लोगों ने, देख सकते हैं VGM O2 पार्क। यहाँ पर किनारे पर फूल लगाए हुए हैं, फूल पौधे जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है दोस्तों। और जस्ट इसके पीछे में गार्डन टाइप से बनाए हैं लोगों ने, आपको दिखाता हूँ इसके बाद, देखिए इसका नज़ारा क्या गजब है ना। ये अपना जो है इन लोगों ने मशीन का एक मतलब कि पक्षी बना के रखा था। और ये है जस्ट दोस्तों विसर्जन कुंड जो गणपति पप्पा का है, तो यहाँ पर विसर्जन करते हैं गणपति का, देख सकते हो पानी सूखने की वजह से ऐसा दिख रहा है। और जस्ट इसके लेफ्ट साइड में आपको दिखाऊंगा वो है पार्क का जो है बैक साइड, जहाँ पर इन लोगों ने गार्डन टाइप के बना के रखा है, ये देख सकते हो। और एक बात बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर में यहाँ पर जिम है, जो मतलब कि चलो चलते हैं ऊपर। तो ऊपर का जो जिम है दोस्तों 24 घंटा खुला रहता है, जैसे आपको आना रहे तो सुबह शाम आ भी सकते हो। वैसे तो यहाँ भीड़ लगा रहता है सुबह और शाम में, क्या है सभी लोग आते हैं। तो देखते हैं ऊपर, और ये है अपना नज़ारा ऊपर का। ऊपर जाने के बाद आपको एक बार और दिखाऊँगा, देख सकते हो ऊपर से जो है कुछ अलग ही दिखता है। और ये है मंदिर, और ये है गेट, इसका जस्ट लेफ्ट साइड में है दोस्तों जिम। देख सकते हो इसका जस्ट लेफ्ट साइड जाएंगे अपन, ये है जिम। और चलते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर ऐसे तो बंद है दोस्तों, जैसे जिस दिन भी खुला रहेगा तो उस दिन आपको मैं मंदिर का दर्शन भी करा दूंगा। मंदिर ऐसे तो बंद ही रहता है, सुबह टाइम शायद खुला रहता है, मुझे उतना भी पता नहीं है, क्या है मैं जाता है मतलब इधर आता नहीं है, ये मेरे घर के पास ही है। अब चलेंगे यहाँ से अपन घर की तरफ। ये है अपना हनुमान जी का मंदिर, और राइट साइड में जो है दुर्गा का मंदिर था राम लक्ष्मण का। चलते हैं घर, अब शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, यहाँ से नीचे जाएंगे। और ये है इन लोगों ने बना के रखा है पानी के मतलब संरक्षण के लिए, जो बनाते हैं गड्ढे पहाड़ों में उसके वजह मतलब उसी के लिए। चलते हैं दोस्तों नीचे की तरफ, और मेरे साथ आया है मेरा भाई जो है व्लॉगर है, अपन दोनों आए थे यहाँ पर व्लॉग शूट करने के लिए। और चलते हैं अपन दोनों, आप और मेरे भाई का जो चैनल है उसे आपको मैं लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या तो कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, उसका चैनल को विजिट कीजिएगा जाके, उसके चैनल में भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगे यार। और ये है अपना जो क्या बोलते हैं शमशान घाट था जो अभी दिख रहा था जस्ट राइट साइड में, और यहाँ पर है जो घर है कुछ जो बाहर का घर है, जो मतलब कि अभी अभी प्लाट
चालू है, यहाँ पर घर बनना स्टार्ट हुआ है। यहीं से अपन नीचे जाएंगे और उधर से अपने घर। और देख सकते हो ये अपना भैया आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ व्लॉग बनाते हुए, और हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो